हेलो, हेलो। आवाज आ रही है ना? क्लियर? तो बालक ध्यान से देखोगे, इस क्वेश्चन को बालक ट्राई करना तो बनता ही है। मस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है बालक। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आईएमओ एग्जाम में आया हुआ है। आईएमओ का मतलब है इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, है ना? इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, तो ब्रेन का यहाँ पर यूज है। बढ़िया से कंसंट्रेशन से बनाना पड़ेगा तभी बनेगा, लेकिन इजी है, तुम आराम से समझ सकते हो। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, सारे बच्चे इसको ट्राई करके और सारे इसको समझ सकते हैं। 6 क्लास के भी वो बच्चे जो थोड़ा ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन करते हैं, वो भी इसको समझ सकते हैं। चलो देखा जाए, क्वेश्चन में बेसिकली जो गिवन है वो तो तुम देख ही लिए होगे, अगर ट्राई किए होगे तो। जल्दी जल्दी डिस्कस कर देते हैं। AD यहाँ पर DB के बराबर दिया हुआ है। BCD जो है, BCD ये 15 डिग्री दिया हुआ है और ADC 45 डिग्री दिया हुआ है। ADC 45 डिग्री और X का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। बात क्लियर है ना? यहाँ पर देखोगे बालक, हम लोग जानते हैं एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी से कि अगर किसी ट्राइंगल का, यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल CDB, इसका BD जो साइड है ना, BD साइड, ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर एक्सटेरियर एंगल बन रहा है ना? यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है बालक? यहाँ पर एक्सटेरियर एंगल। ये एक्सटेरियर एंगल का जो वैल्यू है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर है। तो बालक ये 15 है ना, तो इसको 30 डिग्री होना पड़ेगा, है ना? इसको 30 डिग्री होना पड़ेगा, तब ना ये 30 और 15 ये दोनों मिलकर के बालक 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ बालक ये दोनों लीनियर पेयर है, तो इसको तो 135 डिग्री होना पड़ेगा। 135 डिग्री, यहाँ तक क्लियर होगा? अब देखना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। ये DB का लेंथ जितना भी हो, DB का लेंथ जितना भी हो, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर जितना भी हो, एग्जैक्टली उतना ही लेंथ का, मतलब जितना इसका लेंथ है उतना ही लेंथ का एक लाइन हम लोग यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इसको हम लोग DE बोल देते हैं बालक। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो, जितना भी इसका लेंथ है, मान लो 15 सेंटीमीटर है, तो एग्जैक्टली 15 सेंटीमीटर का एक लेंथ इस BC पर कहीं ना कहीं तो मीट कर ही रहा होगा, है ना? जहाँ भी मीट कर रहा है उसको लेट कर लिए, वो E पॉइंट है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब एक बात बताओ बालक, ये 30, तो ये भी बालक 30 डिग्री हो जाएगा। ये 30, तो ये भी 30, है ना? और अगर ये दोनों मिलकर 30-30 है बालक, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला, ध्यान से देखोगे, ये वाला एंगल, ये तो 120 होना पड़ेगा ना, क्योंकि 135 था ये तो पूरा था, यहाँ से मिटा दे रहे हैं। ध्यान से देखो, 135 तो ये पूरा था, यहाँ लिख दे रहे हैं बालक CDB, एंगल CDB जो है ये था 135 डिग्री। CDB ये पूरा एंगल 135 था, इसको कितना होना पड़ेगा? 120 डिग्री, है ना? 30 30 60 और 120 मिलके इस ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी को कंप्लीट करेगा, यानी कि 180 डिग्री को कंप्लीट करेगा, है ना? बताओ, ये पूरा 135 और ये 120, तो इसको तो बालक 15 डिग्री होना पड़ेगा ना, इसको तो 15 डिग्री होना पड़ेगा, तब ना ये दोनों मिलकर के 135 बनेगा। यहाँ तक आई हो बालक, क्लियर होगा? बताओ, ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, तो बालक इसका लेंथ और इसका लेंथ तो इक्वल हो गया ना? इसका लेंथ, ध्यान से देखोगे इस ट्रायंगल को बालक, तुम ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया, क्योंकि अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है। आइसोसेलस ट्रायंगल में, आइसोसेलस ट्रायंगल का तुमको प्रॉपर्टी मालूम होगा बालक, जिसका यूज करके इसको हम 30-30 कर दिए। ये साइड अगर इक्वल है तो ये दोनों एंगल का, दोनों एंगल इक्वल होता है, बेसिकली ये सब कोई जानता है। अब यहाँ देखोगे ध्यान से, हम लोगों को मिल गया CE और ED जो है ये इक्वल हो गया। अब यहाँ देखो, अगर हम इस AC को केवल ज्वाइन कर दे, सॉरी AE को ज्वाइन कर दे, इसको बालक हम ज्वाइन कर दे, ज्वाइन कर दिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ए और ई को मिला दिए बस। अगर हम मिला दिए तो हम लोग देख रहे हैं बालक कि ये साइड और ये साइड हम लोगों को इक्वल मिल गया। कैसे इक्वल मिल गया? तो ध्यान से देखो, DB और DE हम लोग तो इक्वल ड्रॉ किए थे, है ना? DB के इक्वल हम DE ड्रॉ किए थे, और DB और AD हम लोगों को इक्वल दिया हुआ था, ये दोनों इक्वल था, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो क्या ये और ये इक्वल नहीं हो गया? हो गया ना? तो बालक ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि एक आइसोसेलस ट्रायंगल बन गया, दो साइड हम लोगों को इक्वल मिल रहा है, तो ये दोनों इक्वल होगा। ये बालक 60 है, है ना? ये 60 है, देखो 45 और 15 कितना हो गया? 60 हो गया। ये 60 है और ये दोनों इक्वल है बालक, तो इसको क्या 60 और 60 नहीं होना पड़ेगा क्या? इसको भी तो 60-60 होना पड़ेगा ना?
बात को समझो, ये 60 डिग्री और ये साइड इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल, तो इसको इसको 60-60 होना पड़ेगा ताकि ये 180 का क्राइटेरिया को पूरा करे, है ना। अब बताओ कि अगर ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गया? बन गया ना, ये वाला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया क्योंकि तीनों 60-60 है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं ये साइड और ये साइड, तीनों साइड इक्वल हो गया बालक, तीनों के तीनों साइड इक्वल हो गया क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों साइड इक्वल होता है। अब एक बात बताओगे हमको, ये साइड इसके इक्वल मतलब कि ए के इक्वल, और यही साइड इसके इक्वल क्योंकि 15 और 15 था, इसके इक्वल ये साइड हो गया, ये साइड इसके इक्वल और यही साइड इसके इक्वल, तो इसका मतलब ये साइड बालक और ये साइड, ये दोनों इक्वल आ गया। यहाँ से क्वेश्चन का आंसर भी दिख रहा है बालक, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखो, है ना। देखो ये साइड और ये साइड बालक इक्वल दिख गया, इक्वल मिल गया हम लोगों को। अच्छा बताओ ये 60 और ये 30 90, तो इसको कितना होना पड़ेगा? 90 होना पड़ेगा बालक, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल बन रहा है ना। बताओ ये साइड और ये साइड तो इक्वल मिल ही गया और ये 90 है बालक, तो क्या ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना, क्योंकि आइसोसेलस का अपोजिट एंगल बालक इक्वल होता है, है ना। अपोजिट एंगल इक्वल टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अब यहाँ देखो ये पूरा का पूरा एंगल अगर ये 45 हो गया, यानी कि x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो x इज इक्वल टू बालक 45 माइनस 15 यानी कि 30 डिग्री हो गया बालक। ये वाला जो एंगल है ना, ये 30 डिग्री हो गया। आई होप बालक अच्छे से ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा, बड़ा बेहतरीन ये क्वेश्चन था। इस टाइप का और भी ओलंपियाड से रिलेटेड एक्सेप्शनल क्वेश्चन देखने के लिए, है ना, एक प्लेलिस्ट बनाया गया है इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योमेट्री बूस्टर, उसको जाकर के तुम विजिट कर सकते हो। लेकिन सजेशन बालक यही रहेगा कि क्वेश्चंस को देखना नहीं है तुमको सोल्यूशन, पहले क्वेश्चन को बालक ट्राई कर रहे होगे तुम, पहले ट्राई करो और तब उसका तुम सोल्यूशन देखो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बालक, बाय।